तो आज हम बनाएंगे आम पापड़। तो आम पापड़ बनाने के लिए यहाँ पे लिया मैंने एक पका हुआ आम। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पीसीज में ऐसे कट कर लेंगे। तो आम को पहले ऐसे कट कर लीजिए। इस तरीके से पहले इसको कट कर लेंगे और इसका सारा पल्प हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से सारा पल्प हम पहले निकाल लेंगे आम पापड़ बनाने के लिए। इसको ऐसे स्पून की हेल्प से निकाल लीजिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, सारा पल्प पहले हम निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरे आम को ऐसे कट करके उसका पल्प निकाल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लूँगी एक मिक्सी का जार और ये पल्प हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हम इसको पीस लेते हैं और इसकी एक प्यूरी बना के रेडी कर लेते हैं। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी मैंगो की प्यूरी बन के रेडी हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लूँगी मैं एक मिक्सिंग बाउल और यहाँ पे एक छलनी लूँगी और इसको हम यहाँ पे छान लेंगे। हमें बिल्कुल स्मूथ प्यूरी चाहिए। इससे क्या होगा कि हम इसको छानेंगे, छानने से क्या होगा कि अगर इसके अंदर कोई मैंगो का कोई कन वगैरह रह गया होगा तो वो छलनी पे आ जाएगा और हमारी प्यूरी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। तो इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको हम छान लेंगे। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से छान लिया और हमारी बिल्कुल परफेक्ट प्यूरी यहाँ पे बनके रेडी हो गई है। तो यहाँ पे लिया मैंने एक कढ़ाई और यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर दिया। जो ये प्यूरी बनाई है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सारी प्यूरी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो अब मैं क्या लूंगी, अब मैं यहाँ पे डालूंगी इसके अंदर आधा कप शुगर। जो आम पापड़ होता है वो हमारा थोड़ा खट्टा मीठा होता है तो इसके लिए मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की है। और अब हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू चलाते हुए 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि हमारी प्यूरी अच्छे से यहाँ पे पक नहीं जाती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके अंदर कि जब तक हमारी प्यूरी यहाँ पे परफेक्ट अच्छे से पक नहीं जाएगी तब तक हमारा आम पापड़ अच्छे से नहीं बनेगा। तो इसलिए इसको पकाना बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे हमारी प्यूरी यहाँ पे पकनी शुरू होगी वैसे वैसे ये हल्की हल्की ट्रांसपेरेंट होनी शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमारा जो पल्प था, जो हमारी प्यूरी है, वो हल्की सी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तो अब मैं इसमें क्या करूंगी, अब मैंने यहाँ पे लिया है आधा नींबू का रस, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्योंकि आम पापड़ जो होता है वो खट्टा मीठा टेस्ट का होता है तो इसके अंदर ऐड करा है हमने आधा नींबू का रस। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ एक पिंच काला नमक। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और खाने में इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। सिर्फ एक पिंच नमक डालेंगे इसके अंदर और इसको हम कंटिन्यू चलाते हुए फिर से थोड़ा सा पका लेंगे जब तक कि हमारा पेस्ट और गाढ़ा ना हो जाए। और इसको कंटिन्यू चलाते हुए हमें पकाना है ताकि हमारा मिक्स जो है वो तली में ना लग जाए, वरना हमारे आम पापड़ का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इसको चलाते हुए पकाएं। फ्रेंड्स, आम पापड़ एक ऐसी चीज है जो बच्चे और बड़े सभी खाना पसंद करते हैं, जो सभी का फेवरेट होता है और आप इसको साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसलिए आप इसको जरूर ट्राई करें। तो देखिए हमारा आम पापड़ का यहाँ मिक्स जो है बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। देखिए आप इसको इस तरीके से छुएंगे और ऐसे करेंगे तो ये थोड़ा चिपचिपा लगेगा। इस तरीके से देखिए आपको ये थोड़ा चिपचिपा लग रहा है और इसमें एक तार भी ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा मिक्स बनके यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। इसको ज्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे और यहाँ पे अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो आम पापड़ जमाने के लिए मैंने यहाँ पे ली एक थाली, क्योंकि आम पापड़ का मिक्स जो है वो गर्म होता है तो उसको हम यहाँ पे स्टील की थाली में ही जमाएंगे। तो इसको हम हल्का सा यहाँ पे ग्रीस कर लेते हैं जिससे कि हमारा आम पापड़ का मिक्स इसके ऊपर ना चिपके। तो इसको हल्का सा यहाँ पे कर लिया मैंने ग्रीस। और जो हमने आम पापड़ का मिक्स बनाया वो हम इस थाली के ऊपर फैला लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं फैलाएंगे और ज़्यादा मोटा भी नहीं फैलाएंगे। इस मिक्स को हमें बिल्कुल परफेक्ट रखना है तो इसलिए पहले हम इसको ऐसे इसके ऊपर डालेंगे और फिर हम इसको पूरी थाली में ऐसे फैला लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे मिक्स को थाली में अच्छे से फैला लिया है। अभी ये बनके रेडी नहीं हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, इसको आप इसको पंखे के नीचे भी रख सकते हैं तो 2 दिन बाद ही हम इसको टाइम लगता है, 1.5 से 2 दिन इसको अच्छे से सूखने में टाइम लगेगा। तो ये 1.5-2 दिन में अच्छे से सूख जाएगा इसलिए अभी हम इसको अच्छे से रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा आम पापड़ अच्छे से ड्राई हो गया। मैंने 2 दिन की धूप में इसको अच्छे से सुखा लिया है। तो अभी हम इसको उतार लेते हैं।
वैसे बहुत इजीली तरीके से उतर जाता है। देखिए इस तरीके से ऐसे इसको हाथों से करिए तो देखिए आराम से, ये बहुत ही आराम से ये आम पापड़ हमारा उतर गया है। धीरे धीरे करके उतार लें इसको, तो देखिए कितने इजी तरीके से अच्छे से उतर गया है और दोनों साइड से अच्छे से ड्राई हो गया। और देखिए आपको मेरा हाथ भी इसके अंदर अच्छे से दिखाई दे रहा है, कितना ट्रांसपेरेंट ये बनके रेडी हुआ फ्रेंड। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए कितनी इजी तरीके से ये कट हो रहा है। देखिए यहाँ पे कितनी आराम से हमारा ये आम पापड़ कट हो गया है। तो देखिए इसको अच्छे से ऐसे रोल कर लेंगे, आप चाहे तो इसको रोल कर लीजिए या फिर आप इसको ऐसे स्क्वायर शेप में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इसको किसी भी शेप में बना के रेडी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना बेहतरीन, बिना किसी कलर के, बिना किसी झंझट के इसको मैंने बना के रेडी किया है फ्रेंड। देखिए कितना प्यारा हमारा यहाँ पे आम पापड़ बन के रेडी हुआ है। तो देखिए बनके रेडी हो गया हमारा एकदम बढ़िया बेहतरीन वाला, बहुत ही आसान तरीके से बनके रेडी होता है ये हमारा आम पापड़। तो फ्रेंड्स आप इसको जरूर ट्राई करें, रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।